ये देखो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि बताइए कि ये सेम रेशनल नंबर है, आपको बताना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे इसको? हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। आ जाओ, इसको यहाँ पर ही कर देते हैं। ये -7 बाई -7 बाई 21 है इक्वल टू ये 3 बाई 3 बाई 9 है। इसको डिवाइड करो तो 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9। तो यहाँ देखो तो ये जो आया है -1 बाई 3 और ये आया है +1 बाई 3। ये दोनों इक्वल होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि माइनस और प्लस है इक्वल नहीं है। तो इसके बीच में क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ऐसे इक्वल का साइन लिख करके इसका पेट फाड़ देंगे तो समझ जाओ कि नॉट इक्वल टू हो गया। बस आपको इतना ही कर देना है और कुछ करना नहीं है। बस सेम है या नहीं आपको बताना था, या नॉट लगा दिए हो गया कि नॉट इक्वल टू है। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड देखो, बस इसको सिंपलेट फॉर्म में करके चेक कर लेना होता है। -16 बाई 20 एंड 20 बाई 25 है। ठीक है, इसे चेक करना है। इसको देखो, सबसे पहले लिख लेंगे -16 बाई 20 इक्वल टू 20 बाई 25। इसको 4 से करो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई 5 इक्वल टू 4 बाई 5। दोनों इक्वल है तो इक्वल टू करेंगे। यस, बस हो गया, इतना ही तो करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या है कि देखो, हमने क्वेश्चन में मिस्टेक किया है कि यहाँ पर -25 है और यहाँ पर -25 है, तो यहाँ माइनस रहेगा ना, यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से था ना, तो माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस है। तो देखो, इसको जब हम कंप्लीट लिखेंगे तो माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे, बात एक ही है, -4 बाई 5 और ये भी क्या हो जाएगा, -4 बाई 5। दोनों क्या हो गया, इक्वल। माइनस हमने गलती से छोड़ दिया था, तो हमने बाद में देखा बुक में तो माइनस है तो हमने कर दिया था। ठीक है, देखो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस इक्वल रहेगा तो इक्वल, नहीं रहेगा तो उसका पेट बीच में फाड़ देंगे, हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड है आपका -2 बाई 3, -2 बाई -3 एंड 2 बाई 3 है। ठीक है, इसको देखो, ये हो जाएगा 2 बाई 3, माइनस में दोनों है इक्वल टू 2 बाई 3। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ से देखो तो ये हो गया 2, नीचे हो गया 3, ये हो गया 2, नीचे हो गया 3, दोनों इक्वल है आंसर। ठीक है, 3 के बाद 4 देखो, 4 है -3 बाई 5, -3 बाई 5 एंड -12 बाई 20। ठीक है, यहाँ से देखो, -3 बाई 5 इक्वल टू -12 बाई 20। तो ये देखो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। यहाँ से -3 बाई 5 इक्वल टू -3 बाई 5, दोनों क्या हो गए, इक्वल आंसर। ठीक है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो जो क्वेश्चन बच गया है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, 5 है, 8 बाई -5 एंड -24 बाई 15। ठीक है, अब देखो तो क्या होगा, 8 बाई -5 इक्वल टू -24 बाई 15। इसको करते हैं, और 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। तो ये देखो तो, माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे, बात तो कहीं है, और ये -8 बाई 5, ये भी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, 6 नंबर देखो, 1 बाई 3 एंड -1 बाई 9। ये देखो तो दोनों इक्वल हैं क्या, 1 बाई 3 इक्वल टू -1 बाई 9, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू कर देंगे। अब एक लास्ट है, 7
माइनस फाइव बाई माइनस नाइन एंड फाइव बाई माइनस नाइन। तो देखो तो यहाँ से हो जाएगा माइनस फाइव बाई माइनस नाइन एंड फाइव बाई माइनस नाइन, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो फाइव बाई नाइन यहाँ इक्वल का साइन रखेंगे इक्वल टू, और ये हो गया फाइव बाई माइनस नाइन, ये प्लस है माइनस है नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं? तो सिक्स तो बहुत ईजी था, इतना ईजी था कि मतलब इसके बारे में हम क्या ही बोलें। ठीक है, अब आ जाओ एट नंबर, नहीं सेवन, सिक्स प्लस सेवन। ये क्या बोला है इसको ध्यान से देखो, ये बोला है री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब कि छोटा से छोटा फॉर्म में कर देना है, आपसे जितना हो सके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखो माइनस एट बाई सिक्स है ना, इसको कटाओ, कटाने का रूल क्या होता है कि दोनों एक ही डिजिट से कटना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टू फोर जा एट और टू थ्री जा सिक्स, टू से दोनों कट गया ना, तो ये आ गया माइनस फोर बाई थ्री। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखो, सेकेंड है और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी फाइव। ठीक है, तो क्या होगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी फाइव, इसको करते हैं फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, ये हो जाएगा फाइव बाई नाइन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब चलो अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है माइनस फोर्टी फोर, माइनस फोर्टी फोर बाई सेवेंटी टू। ये देखो तो माइनस फोर्टी फोर बाई सेवेंटी टू है, इसको देखो तो किससे कटाएं, यदि हम इसको मान करके चलते हैं हम फोर से कटाते हैं, तो फोर इलेवन जा फोर्टी फोर, और इसको फोर से करेंगे तो कितने टाइम्स में, एटीन टाइम्स में कट जाएगा, दोनों फोर से कट गया, तो माइनस इलेवन बाई एटीन। अब इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन है माइनस एट बाई टेन, अब इसको कैसे करेंगे, माइनस एट बाई टेन, इसको टू फोर जा, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, तो माइनस फोर बाई फाइव। ये देखो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ना बहुत इजी होता है, ध्यान से करिए और बना डालिए। ठीक है, एट नंबर देखिए, एट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फिल इन द बक्स विथ द कॉरेक्ट सिंबल आउट ऑफ द ग्रेटर लेस एंड इक्वल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में देखो माइनस फाइव बाई सेवन है और टू बाई थ्री है, अब इसमें आपको बताना है कौन ग्रेटर है, तो आपको पता नहीं लग रहा है कैसे हम बता पाएंगे कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है कौन इक्वल है। ठीक है, इक्वल तो पता चल जाता है कि दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा तो इक्वल बोलेंगे, लेकिन ग्रेटर और लेस कैसे बता सकते हो, इसका एक रूल होता है जो कि आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रूल क्या कहता है कि जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलता है, जब भी हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, तो सबसे पहले क्या करिए, जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसको दोनों को इक्वल कर दो। अब ये इक्वल कैसे करेंगे, तो देखो माइनस फाइव बाई सेवन, ठीक है, अरे टू बाई थ्री, इसमें क्या करते हैं थ्री से मल्टीपल कर देंगे और इसमें सेवन से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यदि इसमें थ्री से किए तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, और थ्री में सेवन से कर देंगे थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, दोनों क्या होगा इक्वल। और जो नीचे मल्टीपल किए ना वहीं ऊपर भी करेंगे, जो नीचे किए हैं वहीं ऊपर भी करेंगे, तो अब देखो तो क्या हो जाएगा माइनस फिफ्टीन बाई ट्वेंटी वन और यहाँ पर फोर्टीन बाई ट्वेंटी वन। अब देखो तो आपको ऐसे ही देख करके पता लग रहा होगा कौन ग्रेटर है, ग्रेटर कौन होगा, देखो तो माइनस में और ये प्लस में, तो ऐसे ही क्या होगा ग्रेटर होगा, क्योंकि माइनस फिफ्टीन है और ये फोर्टीन है। ठीक है, और नीचे तो दोनों हमारा सेम ही है यानी प्लस है, ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो
डिनोमिनेटर को इक्वल कर डालो, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। माइनस फोर बाई फाइव और ये माइनस फाइव बाई सेवन है, ठीक है। अब देखो, माइनस फोर बाई फाइव और यहाँ पर माइनस फाइव बाई सेवन, ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पर कैसे दोनों को इक्वल करें, तो एक और रूल होता है जो आपको समझा देते हैं, याद रखिएगा। रूल होता है कि जो नीचे फाइव और सेवन है ना, इनका एलसीएम ले लो। फाइव और सेवन का एलसीएम क्या होगा, फाइव सेवन जा 35, यानी जो डिनोमिनेटर में होगा दोनों का वो 35 से ही काम हमारा होने वाला है। तो अब यहाँ 35 करना है तो किस में, इसमें कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, सेवन से, और जो नीचे से करेंगे वहीं ऊपर भी करेंगे। यहाँ क्या करना है आपको, 35 करना है, तो इसमें फाइव से कर देंगे, हो जाएगा जो नीचे वहीं ऊपर। तो देखो, तो क्या हुआ, सेवन फोर जा 28 और सेवन फाइव जा 35, फाइव फाइव जा माइनस 25 और ये 35। अब देखो, तो ये दोनों माइनस में है, लेकिन माइनस में कौन ग्रेटर होता है, जो छोटा हो, तो छोटा तो है ना, तो ग्रेटर कौन होगा, यही हो जाएगा, ग्रेटर यही हो जाएगा। देखो ग्रेटर हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस 28 है, माइनस 25 है, तो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा होता है, और नीचे तो हमारा सेम ही है, ठीक है। तो बस आपको नीचे सेम कैसे करोगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेकर के कर दिया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चलेगा अच्छे से। माइनस सेवन बाई एट और ये 14 बाई माइनस 16, ठीक है। अब देखो, तो पहले क्या करेंगे, 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं माइनस सेवन बाई एट और ये 14 बाई माइनस 16। तो 8 और माइनस 16 का जो एलसीएम होगा वो 16 ही होगा, आप लोग निकाल करके चेक कर लेना, हमें पता है ऐसे ही। 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 16 लाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, ऊपर भी कितना से, 2 से, और यहाँ पर 16 लाने कितना से, 1 से ही करना होगा, क्योंकि 16 तो ऑलरेडी है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 14 बाई 16 और ये माइनस, सॉरी 14 माइनस 16। देखो, तो दोनों तो इक्वल ही है, यहाँ भी माइनस है, माइनस, दोनों तो बराबर है ना, तो इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। फोर नंबर देखो, माइनस एट बाई फाइव और माइनस सेवन बाई फोर है, तो फाइव और फोर का एलसीएम 20 होता है, सबको पता है ना। माइनस एट बाई फाइव माइनस सेवन बाई फोर, यहाँ पर 20 करने के लिए 4 से करना पड़ेगा, और इसमें भी 4 से करेंगे, जो नीचे हो ऊपर। यहाँ 20 करने के लिए 5 से, जो नीचे हो ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 32 बाई 20, अरे माइनस 35 बाई 20। देखो, तो कौन, दोनों तो माइनस में है, डिनोमीटर सेम है, जो छोटा वो बड़ा, तो छोटा है तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। सारे ईजी हैं यार, बहुत ईजी, आप ध्यान से करो ना। फाइव देखो, वन बाई माइनस थ्री और ये माइनस वन बाई फोर, ये क्वेश्चन है। तो वन बाई माइनस थ्री माइनस वन बाई फोर, देखो तो थ्री और फोर का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ 12 करना है ना, तो इसमें 4 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से, इसमें कितना से, 3 से, तो ऊपर भी 3 से, ये कितना हो जाएगा, 4 बाई माइनस 12 और ये माइनस 3 बाई 12। देखो, तो कौन ग्रेटर है, ये माइनस में, अभी ये भी माइनस में, ग्रेटर कौन होगा, जो माइनस छोटा होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है। अब आ जाओ सिक्स नंबर, फाइव बाई माइनस इलेवन और माइनस फाइव बाई इलेवन। अब देखो, तो ये तो ऐसे ही पता लग गया कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, दोनों इक्वल है, इक्वल का साइन लगा देंगे, ऐसा ही आंसर मिल गया हम लोग को। सेवन नंबर, जीरो और माइनस सेवन बाई सिक्स, देखो याद रखिएगा, माइनस कितना भी बड़ा हो वो जीरो से भी छोटा होता है, तो क्या हो, यहाँ ग्रेटर होगा, जीरो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना सबको, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम नाइन क्वेश्चन देखेंगे, आइए देखिए। नाइन क्वेश्चन है कि विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इसमें से बताना है कौन ग्रेटर है, ठीक है।
देखो हम इसमें से टू क्वेश्चन करेंगे और टू आप लोग के लिए देंगे, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको ग्रेटर बताना होगा ना, 2 बाई 3, यहाँ बक्स बना लेते हैं, 5 बाई 2, इसमें से ग्रेटर बताना है कौन है। तो सबसे पहले आपको हमने बोला था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया है ना, इनका एलसीएम ले लो। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। यानी इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 6। तो इसमें 2 से कर देंगे 6 आ जाएगा, और जो नीचे करेंगे वही सेम ऊपर। यहाँ क्या करना है? 6, इसमें 3 से कर देंगे हो जाएगा, और ऊपर भी 3 से, तो ये हो जाएगा 4 बाई 6 और 15 बाई 6। अब देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर क्या है? ए ग्रेटर है, तो ग्रेटर हो जाएगा। तो आप जब भी ग्रेटर और लेस बताना होगा तो डिनोमिनेटर को सेम करो। सेम करने का रूल होता है कि 3 और 2 का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम होता है वही नीचे सबके किसी तरह उसको कर दो, हो जाएगा, पता लग जाता है, ठीक है? इसका सेकेंड देखो, सेकेंड है -5 बाई 6 और -4 बाई 3। इसमें भी क्या करो? सबसे पहले 6 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? तो -5 बाई 6, तो डिनोमिनेटर में क्या करना है? 6 ही लाना है। तो इसमें क्या करेंगे? 1 से कर देंगे, ऊपर भी 1 से। यहाँ बक्स बनाएंगे, -4 बाई 3, इसमें 6 लाना है तो कितना से करना पड़ेगा? 2 से। तो देखो तो क्या हो जाएगा? -5 बाई 6 -8 बाई 6, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जो माइनस में जितना छोटा हो बड़ा होता है, -5 है -8 है, तो -5 क्या हो जाएगा? ग्रेटर। अब आप लोग क्या करिएगा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हम 5 सॉल्व कर देते हैं। -3 इंटीजर 2 बाई 7 और -3 4 बाई 5 है, ठीक है? इसको पहले मल्टीपल करो, 7 3 जै 21 और 2 23 बाई 7, ठीक है? ये 15 और 4 -19 बाई 5, ठीक है? अब देखो तो इसको क्या करेंगे, दोनों को डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम 35, तो नीचे 35 करना होगा। तो 23 7 में 5 से कर देंगे, और यहाँ भी 5 से कर देंगे। -19 बाई 5, यहाँ 35 करना है तो 7 से कर देंगे। तो 23 5 या कितना हो जाएगा? 23 से 5 से करेंगे तो -115 हो जाएगा, और नीचे 35, और ये कितना हो जाएगा? 133 बाई 35। देखो तो लेस कौन है? ये है, क्योंकि बड़ा है, ये ग्रेटर हो जाएगा आंसर। तो ये सब क्वेश्चन इजी है, 3 4 आप लोग ही बना लेना, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अब 10 बोला है, 10 नंबर, कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करोगे? ये तो डिवाइड में है, और असेंडिंग ऑर्डर करना है कैसे पता चलेगा? देखो असेंडिंग ऑर्डर करने का रूल बहुत ईजी है, ठीक है? सबसे पहले देखो क्या करना, सबका देखो कि पहले न्यूमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबका सेम है तो फिर हमारा काम ही हो गया, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे? तो सबसे पहले देखो ये सबसे क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा होता है। तो ये हो गया -1 बाई 5, क्योंकि ये ग्रेटर है, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? -2 बाई 5, इससे ग्रेटर और इससे ग्रेटर, और -3 बाई 5। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा, ठीक है? याद रहेगा ना, बहुत ईजी है। बस आप पहले जब भी इस तरह का रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, आप सबसे पहले देखो उसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। सेम है तो ईजी हो गया, ऊपर देख करके बता दिया जाता है। सेकंड देखो इसका, 1 बाई 3 -2 बाई 9 और -4 बाई 3। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमिनेटर क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो इसके न्यूमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेंगे। तो 3 9 3 का एलसीएम क्या होता है? 9 ही होता है। तो हम 9 करेंगे एलसीएम, तो यानी 1 बाई 3 में इसमें कितना से करना पड़ेगा? 3 से, ऊपर भी 3 से, यानी इसके बदले आ गया 3 बाई 9, ठीक है? और -2 बाई 9 है, इसमें 1 से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा -2 बाई 9, ठीक है? अब -4 बाई 3 है, इसमें 3 से करना पड़ेगा, 3 से कर देंगे, -12 बाई 9। अब देखो तो सबसे इसमें ग्रेटर कौन लग रहा है? सबसे बड़ा जो है ये है 3 बाई 9, 3 बाई 9 को पहले, उसके बाद ये -2 बाई 9,
उसके बाद ये आएगा माइनस 12/9। देखो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है माइनस 3/7, माइनस 3/2 और माइनस 3/4 है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो माइनस 3/7, पहले क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। 7, 2, 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ऐसे निकाल लो रफ पेज में। 7, 2, 4, 2 से करेंगे 7, 1, 2, 7, 2 जब 14, 28 होगा। यानी नीचे क्या करना होगा, 28 लाना होगा, तो 4 से कर देंगे तो यह जाएगा माइनस 12/28। अब माइनस 3/2 है, इसमें कितना से 14 से करना होगा, ये हो जाएगा माइनस 42/28। माइनस 3/4 है, इसको 7 से करना होगा, यह आ जाएगा माइनस 21/28। अब देखो तो सबसे इसमें ग्रेटर क्यों है, ये छोटा है ना, तो बड़ा हो जाएगा माइनस 12/28। उसके बाद ये माइनस 21/28, उसके बाद माइनस 42/28, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग इक्वेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 9.2 में।